तकलीफ तो तब होती है जब लोग वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एम हर मैनेजर। तो ये दानी भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं, ये दानियल आगे बैठ गया, ब्लॉगर पीछे बैठा हुआ है, ब्लॉगर हर बार आगे बैठता है, मैं भी पीछे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। तो जा रहे हैं बिल्कुल शिवारी, जहाँ हर बार जाया करते हैं। ये हमारा जो शौक है ना वो देसी खानों का है, और अभी इतना दूर जाने का सीन नहीं है, तो हम बोले यही गुलशनवारी पास में यहीं पे बैठ जाते हैं। क्या, क्या बोलते हैं दानिश भाई, इतना दूर कहाँ जाएंगे अभी? तो दानिश भाई के मशवरे से भी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे गुलशनवारी। दिख जाएंगे गाड़ी टर्न करिए शिवाना कर से। हो भैया यार बस आ गए, घूमते ही आ रहे हैं। किधर हो? वो बाहर जाने हैं ना, ये रहा इतना बड़ा गुलशनवारी लिखा हुआ दानी भाई। चलो अपने इंटर किए मैं चलेंगे ना, ग्रेजुएशन में करवा दूँ। ये गांव गांव बसता नहीं है, भिखारी बस जाते हैं। और मटन में ले। अस्सलाम वालेकुम, वाह 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 वाह। ये कहते हैं और अरमा ये कहते हैं, आप जो लेकर आए तशरीफ गुलशन कौन है? हेलो कोई सुन रही है? अच्छा वाह वाह, गुलशन वाली ब्रेक करके लिया दानी बेलो आए हैं। दानी के आंसू ऐसे चमक रहे हैं जैसे सितारों में चांद। अरे आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, बैठे हैं जैसे लगान फिल्म के आमिर खान। वाह 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 वाह। आपके लिए अच्छा बोलिए इरशाद से हमारे इरशाद। हाँ ये बॉस है हमारे, पहले मेरे के आंखों से क्या काम हुआ और काजल क्यों बदनाम हुआ? अरे इतने बंद सबर के गुलशनवारी में आए हैं, इन्हें देखने के लिए पूरे कराची का ट्रैफिक जाम। आपके लिए भी अर्ज कर, कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ों में, और कोई लगा हुआ है अपनी जुगाड़ों में। और हमारे नवाब साहब को कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ों में, कोई लगा हुआ है अपनी जुगाड़ों में। और हमारे नवाब साहब को लंदन अमेरिका पेरिस से लंदन दुनिया जाए तो जाए भाड़ में, ये तो शिकार खेलते हैं चश्मे की आड़ में। माद भाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बेखुदी की जिंदगी हमारे माद भाई जिया नहीं कर, मांग कर जाम किसी से टूटा हुआ आशिक। बेखुदी की जिंदगी हमारे माद भाई जिया नहीं करते, मांग कर जाम किसी से पिया नहीं करते, उनसे कैदों के मोहब्बत हो तो उनसे इजहार करें, क्योंकि पीछा हमारे अम्मा भाई भी किसी का किया नहीं। इनके लिए बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि दरे नूरी से बंदों को शिफा मिलती है, बहुत दर्द वाला हो तो उसको दवा मिलती है। हमारे नवाब साहब को अंधेरों में उजालों की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको तो दिन रात गरीबों की दुआ मिलती है। ये एकदम दिल की बात, दुनिया जो बात बनी उसमें ये बात बनी है। तुम लोग देखो सीखो, क्या सीखे हम, मतलब सुनो मेरे बारे में, जो बोला है ना ये दुनिया बोलती है। किससे बोला? और सर ये दुआई शेयर कर रहा हूँ और बिलखुसूस हमारे बॉस के लिए, खुश रहें आप हजारों के बीच, और जैसे महकता हुआ गुलाब पहाड़ों के बीच, खुदा की बुलंदियों पे ले जाए आपको आपके नसीब, जैसे चमकता हुआ चांद सितारों के बीच। खुश हो गए, खुश कर रहा हूँ कि कई शाम बीत गई कोई सलाम नहीं आया, हो गया अभी तक हमारे पांचों नवाब साहबों के हाथों से, और बिल्कुल हमारे दोस्त के हाथों से, सलीम और अकबर आजम नाम से जाते जाते एक शेर बोलता हुआ, एंड चल भाई के लिए, भाई के एक अलग से बनाओ, भाई के लिए मेरे लिए लंदन अबे अलग से बना। हम जी चुके की जिंदगी तो हम जी चुके, बस धड़कनों का लियाज करते हैं,
क्या कहें इन दुनिया वालों को जो आखिरी सांस के लिए इतराज करते हैं। बाबा 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 कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, वो तकलीफ तो तब होती है। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब लोग हमारे शायरी में माने। अल्लाह खुश हो। मटका ही तो हर दफा हम एक ही डिश मंगाते। तो भाई ये है मटन की कढ़ाई, चपाती, ये गार्लिक नान, और ये है ये क्या है भाई, ये क्या है दानियल, ये क्या है, क्या ये हांडी है भाई? ये हांडी है, हांडी हांडी पता नहीं, क्रीमी मखनी। तो भाई सीन ये है कि हम लोग ने खाना वगैरह खा लिया, अब हम लोग जाने की रवानगी है। और कोई भी है, और मैं और हमदा जा रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे नागन, दानी भाई ये रही हमारी गाड़ी। दानी भाई अपनी बहन को लेने चले जाएंगे, वहाँ से मैं भाई की बाइक लेके पट्टी पे जाएंगे, पट्टी से फिर हम लोग जाएंगे घर। सैरी हो जाएगी, अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो देखो कब तक पहुँचते हैं घर। ठीक है, रोड खराब हुआ है, बना रहे हैं ना, यहीं से बाहर सुकून। और सीन ये है कि कल हम लोग जाएंगे, मैं और मेरे सारे कज़न जाएंगे फार्म हाउस चेक करने के, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, डन करना है कि फैमिली के साथ जा रहे हैं तो देख दाख के हर चीज़ जाना पड़ेगा। तो कल हम लोग जाएंगे फार्म हाउस रोज़े में, 12 बजे निकलेंगे घर से, 12 बजे निकलेंगे और पहुँचते पहुँचते 3-4 बज जाएंगे। तो लंबी कहानी है, तो बाकी कल मिलते। सीन ये कि खाना खा के आ गए और पट्टी का सीन है, तो पट्टी खेल के जाना है घर। घर आगे अभी बस सैरी होने वाली है, तो सैरी करते हैं फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, तो भाई मेरा और दानियल का पट्टी खेल है, तो आओ खेलते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग ने खेल लिया पट्टी शट्टी, तो ये इतनी लाइन से 1 2 3 4 5 पट्टी है, और कराची की रौनक ये पट्टी है। तो बस पट्टी शट्टी खेल लिए, 3 बज गया, अब हम लोग जा रहे हैं घर सैरी करने। तो भाई सीन ही हम लोग ने दाने को पीछे ही छोड़ दिया, वो पैदल है। कहाँ है कहाँ, ये रहा आ गया फाइनल, उसको गरीब को बैठा लिया हम लोग ने। तो बस हम लोग जा रहे हैं घर, 4 बज गए, आधे घंटे बाकी है बस सैरी करने के लिए, तो सुबह मिलते हैं। ओके, तो भाई सीन ये है कि अभी 1 बज गए, 12 बजे का कहा था और सारे सो रहे हैं, तो अभी मैं बस जा रहा हूँ, 1 बज गए, अब मैं जा रहा हूँ, सबको उठाऊँगा, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद निकलेंगे। अब मैं व्लॉग अभी यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि एडिट कर रहा था तो 8 मिनट पूरे हो गए हैं, इतना कोई देखता नहीं है, 2-3 मिनट तुम लोग देखते हो, पूरी वीडियो देख लिया करो। तो अभी मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो अगर अभी हम लोग आज अगर गए तो आगे का व्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएँ, उसको प्रेस करें, कुछ भी करो, सब्सक्राइब करो, पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.